मेरा बाप विजित एवरेस्ट, मेरी माँ अभाव शेषनाग से विषतप्त क्षीर सागर, मेरा भाई लद्दू घोड़े सा बोझा ढोता संघशावक, मेरी बहन मैले चिथड़ों से बनी हुई कोई गुड़िया, और मैं उबलता हुआ केतली का पानी जिसे बन बन कर भाप भाप खत्म होते रहना है। बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। नमस्कार, आदाब, शख्सियत में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी जिन्हें आपने सुना उनके लिए अगर मैं ये कहूँ कि एक चिराग और एक किताब और एक उम्मीद असासा, उसके बाद तो जो कुछ है वो सब अफसाना है। शब्दों का एक अद्भुत संसार जिसमें माजी की खूबसूरत यादें हैं, अनगिनत सपनों का कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। शख्सियत में आज मुलाकात मशहूर व मारूफ साहित्यकार विश्वनाथ त्रिपाठी जी से। सौम्य, सरल, सहज और अपनी ही धुन में मगन, शब्दों से खेलना और एक यादगार कृति रच जाना, जिनकी आदत में है शुमार। मशहूर आलोचक, लेखक और एक बेजोड़ अध्यापक विश्वनाथ त्रिपाठी 16 फरवरी 1931 को जिला बस्ती, जो अब सिद्धार्थनगर के नाम से जाना जाता है, के बिस्कोहर गांव में श्री तेज बहादुर तिवारी और श्रीमती सिरदत्त देवी जी के घर आपने जन्म लिया। शुरुआती शिक्षा गांव और बलरामपुर कस्बे से हुई। उच्च शिक्षा के लिए कानपुर और वाराणसी भी गए। पढ़ाई में तेज थे, सो स्कॉलरशिप भी मिलती रही। बचपन से ही अपनी बात कहने और मनमाने की चाहत रखने वाले विश्वनाथ त्रिपाठी अपने आसपास होने वाली गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखते थे। जात पात धर्म के बंधन कभी नहीं भाए। प्रमुख कृतियों में हिंदी आलोचना, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, लोकवादी तुलसीदास, नीत का काव्य, देश के इस दौर में जो हरिशंकर परसाई पर केंद्रित है, कविता संग्रह जैसा कह सका, और गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर संस्मरण व्योमकेश दरवेश हिंदी साहित्य की अनमोल कृति है। तरह तरह के खाने उनकी पहली पसंद है और उनकी इस ख्वाहिश को उनकी धर्मपत्नी माहेश्वरी जी ने पूरी खुशी से निभाया। बेहतरीन साहित्यकार और एक नेक इंसान के तौर पर उनकी कामयाब कोशिशों के लिए उन्हें बेशुमार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। कुछ नया हर पल उनके जहन में चलता रहता है और सोच का एक खूबसूरत ताना बाना जब कागज पर उतरता है तो अपने आप में मिसाल हो जाता है। बहुत बहुत स्वागत विश्वनाथ त्रिपाठी जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका। बहुत खुशी है हमें कि आज आप शख्सियत में तशरीफ लाए हैं। सबसे पहले मैं आपके अपने बचपन के ही बारे में कुछ जानना चाहूँगी, आपके माता पिता के बारे में और वो इलाका जहाँ आप पले बढ़े। जी, मेरा गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले बस्ती ज़िला था, वो सिद्धार्थनगर ज़िला बन गया। जी, तो मेरे गांव के बारे में जो सबसे जानने की बात है वो ये है कि वो बिल्कुल हिमालय की तलहटी में है। यानी मेरे घर के पास, आप मेरे घर पर अगर कुर्सी डाल के बैठे हैं, खड़े हों, तो आपको हिमालय की चोटियां दिखलाई पड़ेंगी। और वो बहुत पिछड़ा हुआ, यानी मेरे बचपन तक ऐसा था, गांव में कई लोग थे जिन्होंने रेल नहीं देखी थी। अब तो खैर बदल गया है, बहुत बदल गया है। मेरे पिताजी, हम ब्राह्मण थे लेकिन हम पुरोहिते नहीं करते थे, किसान थे, बहुत कम पढ़े थे, दर्जा एक तक दर्जा दो पढ़े थे, और हमारे पूर्वज जो थे वो खेतों में काम करने वाले थे। माँ मेरी बहुत पास में ही एक गाँव की थी। मैंने बचपन में
ये आप ये याद रखिए, ये मैं सन 33-34 की बात कर रहा हूँ, जबकि पूरा आज़ादी का आंदोलन पूरे देश पर था और मेरी माँ पढ़ी तो नहीं थी, लेकिन उनको आज़ादी के इतने तराने मैंने उनके मुँह से सुने हैं कि अब सोचकर मुझे ताज्जुब होता है। जब वो झूला झूलती थी तो गाना गाती थी कि कहीं टूटे न चरखे का तार, चरखवा चालू रहे, और गांधी जी दुल्हा बने हैं और जवाहरलाल सहबाला बने हैं और लार्ड अरविंद करें मनुहार, चरखवा चालू रहे। तो लॉर्ड इरविन को वो अरबन समझती थी, माने करोड़ अरब वाला समझती थी, ऐसा समझती थी। या और अरे रामा, वो गाने झूले पर गाती थी वो, अरे रामा हिटलर बड़ा बदकार जुल्म कर डाला रे हारी, ये जो कजली है ना जी, जी, उसमें उसमें जी, गाना जी, है जी। हमारी आज़ादी का आंदोलन है, खुशकिस्मती से जिस वक्त हम पैदा हुए, हमारी पीढ़ी पैदा हुई, वो ऐसा था कि अरे हम जेब में पैसे तो कम होते थे, शायद पेट भी बहुत भरा नहीं रहता था, लेकिन हम समझते थे कि हम हिंदुस्तान की आज़ादी में हैं, और गांधी जी हैं और नेहरू जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, मौलाना हैं, ये सब हम उस समय सोचते थे और बच्चा बच्चा उनसे वाकिफ था। मेरा बचपन, मेरी उस समय ऐसा माहौल था। दोस्त याद है जी, बचपन के दोस्त याद है? बहुत याद हैं, मैं बचपन के दोस्त तो बहुत याद हैं। जाकिर नदवी, जो बाद में जाकिर नदवी हुए, जिक्रुल्ला मौलवी, हम उनको जिक्रुल्ला मौलवी कहते थे, और फजलुल्ला और दुर्बल पंडित और अच्छा। राजा राम, जिनके खेल भी तो अजीब अजीब थे। एक तितलम तुतलम तूल खेल होता था, दो पार्टी बन करके जाते थे, एक दूसरे को पिटाई बड़ी होती थी उसमें, कबड्डी खेलते थे, गुल्ली डंडा हमने बहुत खेली है। अच्छा। गुल्ली डंडा बहुत कुछ, कंचे खेले हमने। अच्छा। एक पहिया चलाया हमने। पढ़ाई में आप बहुत अच्छे थे, आपको स्कॉलरशिप भी मिलती थी? जी हाँ, हाँ ठीक था पढ़ाई, अगर पढ़ाई अच्छी ना होती तो मैं पढ़ाई थोड़ी कर पाता। हाँ। मैं तो बहुत साधनहीन था। हाँ। बहुत पढ़ाई में बचपन में, ये नहीं था मेरे घर में कोई फाका कशी नहीं थी। हाँ। लेकिन पढ़ाई में पैसा खर्च होता है ये वो नहीं जानते थे। तो जब तक मैं गाँव में था तब तक तो ठीक था, जब बलरामपुर चला गया पढ़ने तो फिर पैसा घरवाले नहीं भेज पाते थे, और चूंकि ब्राह्मण था मैं, सेल्फ रिस्पेक्टिंग था, तो बिना किसी के कुछ दिए मैं मांगता नहीं था। तो मैंने बचपन में इतना उपवास किया है कि मेरे जितना उपवास बचपन में लोगों ने किया होगा उसमें से कम लोग बच पाए होंगे। उस भूख और प्यास का और अभावों का शायद सबसे बड़ा हिस्सा है। सबसे ज़्यादा जलील गरीब आदमी को गरीब आदमी रिश्तेदार करते हैं, ये सब जीवन का अनुभव मुझे अनुभव है, बहुत है कड़वा अनुभव। हाँ। बीए में टॉप करने की उम्मीद थी आपको? जी हाँ। लेकिन फिर जो फिल्म आवारा आई उसका खुमार बहुत ज्यादा हो गया और फिर आ गई सेकंड डिवीजन। वो किस्सा बड़ा अजीब है, मेरा यार था एक, आप जानते हैं कि किशोर वय में जो दोस्ती होती है ना, बड़ी पक्की दोस्ती, पक्की दोस्ती तो बचपन में होती है, बाद में तो ऐसे रहता है सब। तो वो मैं फिल्म नहीं देखता था, पैसे नहीं होते थे, तो उसने बहुत मुझसे कहा कि आप पार्टनर तुम फिल्म देखो और आग पिक्चर राज कपूर थी वो देखो। अच्छा। मैंने कहा मैंने देखो, तो उसके पास साइकिल थी तो साइकिल पर लेकर उसने दिखाई मुझे। अब इसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिलने लगी, तो उन दिनों में 80 रुपये महीने की स्कॉलरशिप, इमेजिन, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी होती थी। हाँ। तो उसकी साइकिल पर लेकर के मैं एक एक दिन में 4-4 शो देखता था। तो आप पूछेंगे कि आप गलत कह रहे हैं, 4 शो कानपुर में मिरवा जगत सुंदर और निगार, ये टाकिस पास पास थे। हाँ। तो यहाँ से निकल के उसमें चले गए, उसमें चले गए, उसमें चले गए। हाँ। 12 बजे इतवार को 4 शो होते थे, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, अरे बाप, सब देखता था मैं। और राज कपूर और नरगिस की फिल्में बहुत देखता था। पार्टनर से मेरा झगड़ा होता था, वो दिलीप कुमार को बड़ा समझता था मैं राज कपूर को। तो फिल्में मैंने इतनी देखी कि फिर मेरा फर्स्ट क्लास नहीं आया, फिर सेकंड डिवीज़न हो गया। देखिए ऐसा है कि जो फिल्में वगैरह होती हैं इन पर भी अपने पॉलिटिकल माहौल का, कल्चरल माहौल का बड़ा असर होता है। बिल्कुल उन दिनों जो हीरो होता था वो धोती कुर्ता पहनता था, टोपी पहनता था, सादा होता था, गरीब घर का होता था। विलेन जो होता था अक्सर बड़ा टाई वही पहन करके आता था, वो अंग्रेजी बहुत बोलता था, उन दिनों का विलेन, विलेन सही सही, सिगरेट पीता था, सिगार पीता था, बड़े घर का होता था। तो ये जो हमारी एस्थेटिक्स है, हमारा जो सौंदर्य बोध है, उसका
सामाजिक और कल्चरल आंदोलनों बड़ा गहरा दबाव उसका होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बनारस चले गए आप फिर? जी हाँ, कानपुर से भागा तो बनारस गए। फिर आप वहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से मिले, कुछ उनसे जुड़ी यादें? मैं ऐसे कहूँ कि जो हम मध्यकालीन संतों के बारे में, गुरुओं के बारे में जिस तरीके से आइडिया रखते हैं, कबीर, तुलसी, सूर या हमारे गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक, मैं बहुत ज़्यादा इस पर जमा दराजी से काम तो नहीं लूँगा, लेकिन कम से कम मेरे दिमाग में लगता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उसी तरह के थे। अच्छा। पहली बार जब उनसे मिला, मुझे याद है मैं फटा पैजामा और कमीज पहने था। कमीज उसी दोस्त की थी जिसने मुझे सिनेमा दिखाना से लगाया था। अभी उसकी डेथ हुई है। पंडित जी के पास गया तो निकले तो पंडित जी का चरण स्पर्श किया मैंने, तो उन्होंने कहा क्या बात है, कैसे आए हो? तो मैंने बताया मैं पढ़ना चाहता हूँ और आप तो सूर्य हैं हिंदी साहित्य के। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सूर्य वूर्य नहीं होता है, हर आदमी खुद अपने से बड़ा होता है। अब जब तुम मेरे शिष्य बन गए तो गुरु शिष्य से ज़्यादा और संबंध क्या होता है, तुम्हें कुछ आर्थिक परेशानी है? तो थी तो, लेकिन मैंने कहा नहीं, आर्थिक परेशानी मैं सब कर लूँगा। तो कह के अच्छा तुम पढ़ो, तुम सारी बातें भूल जाओ, तुम पढ़ाई लिखाई करो अपनी। तो कह करके मैं चलने लगा। देखिए पहली मुलाकात थी मेरी, उसके मेरी उनकी कोई जान पहचान। उन्हें थोड़ी देर बुलाया, कहा इधर आओ इधर आओ। उन्होंने कहा तुम्हें भूख तो नहीं लगी है? और वो उनके बहुत, मैंने आप जानते हो मैंने उन पर किताब ही लिखी है जी, बिल्कुल बिल्कुल, और लोगों ने पसंद की किताब वो मेरी, मैंने वो पंडित जी का प्रताप है मेरा उसमें क्या है। मेरा एमए में फिर गड़बड़ी हो गई थी मुझ में, तो मेरा पर्चा छूट गया। बहुत घबराया मैं कि बीए में भी सेकंड क्लास आया और एमए भी फर्स्ट क्लास नहीं आएगा, परेशान हो जाऊँगा। तो मैं झूठ बोला, इम्तहान छोड़ दिया मैंने। किस लिए झूठ बोला? कि मेरी माँ जल गई हैं। पंडित जी कहो वही तो बहुत बुरा हुआ, हम तो समझते तुम्हारा फर्स्ट क्लास आएगा, आप कैसे होगा, कोई चिंता मत करो, तुम ले जाओ, अब तुम घर जाओ, फिर अगले साल इम्तहान देना तुम। किराए के पैसे उन्होंने दिए मुझे 15-20 रुपए। तो वहाँ से लौट के आया, फिर मैंने एमए किया, फर्स्ट क्लास आया, लेकिन मेरे मन में रहा कि देखिए मैं झूठ बोला इनसे। तो उनकी साहिबजादी, उनकी लड़की थी पुतुल जी, यहाँ दौलत राम कॉलेज पढ़ाती थी, जब पंडित जी नहीं रह गए तो मैंने उनसे कहा कि पुतुल जी, मेरे मन में एक अपराध बहुत था कि मैं गुरु से झूठ बोला। तो मैंने कहा कि देखिए पंडित जी से मैं झूठ बोला था। तो बड़े जोर से हंसी, कहने कि आप जैसे ही बाहर गए वैसे पंडित जी हंसे बहुत जोर से। हाँ। और उन्होंने कहा कि ये खुद बच्चा और मुझे भी बच्चा समझता है। अभी अच्छा, वो मनुष्य नहीं थे, उनको देवतुल्य थे। हाँ। लेकिन उस जमाने में ऐसे लोग थे, अगर हमारे टीचर्स इतने अच्छे ना होते और हमारे दोस्त इतने अच्छे ना होते ना, तो हमारे जैसे लोग पढ़ाई नहीं कर सकते थे। सही कह रहे, बहुत अच्छे थे। फिर दिल्ली आना कैसे हुआ और आलोचक की हैसियत से आपकी शुरुआत कैसे और कब होती है? मैं आया तो मैं जैसे सब लोग करते हैं, मैं कविता करता था, लेकिन मेरे टीचर दूसरे जिन्होंने मेरी बड़ी मदद की, डॉक्टर नामो सिंह, वो यहाँ आलोचना के संपादक होकर के आए, तो वो हमसे आलोचना में लिखवाने लगे। तो डिमांड मेरी बढ़ गई, तो इस मार्केट बढ़ जाने से फिर मैं आलोचक ही हो गया। हाँ। और कविता काफ़ी पीछे छूट गई, पीछे। विश्वनाथ जी, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने आपके आज तक के सफ़र को देखा, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। आइए विश्वनाथ जी, ये आपको याद है हम लोग कैसे मिले थे? एकाएक हम लोगों की मुलाकात आकस्मिक ढंग से इलाहाबाद में साहित्य भवन में हुई थी। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य आप थे, मैं उनका शिष्य नहीं था, लेकिन उनकी किताबों को पढ़कर मुझ में भी वैसी ही व्याप्ति थी जैसे आप में। हजारी प्रसाद द्विवेदी आपके रग रग में, आपके खून में व्याप्त हैं। आपको याद है कि आपकी कविता जो परिवार है, वो उसका अनुवाद जोसेफ मिल ने किया था जो बर्कले यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, और ये कविता बर्कले यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाते थे। इसके अलावा लोठार लुत्से ने आपकी कविताओं का अनुवाद किया था। आपकी उम्र बहुत कम थी और मुझे सोचकर अच्छा लगता है कि आपको भी अच्छा लगा होगा कि आपकी कविताएं अनुदित होकर के और देश की सीमाओं को पार कर
दुनिया में जा रही हैं। त्रिपाठी जी हमारे गुरु रहे हैं और उनका पूरा चिंतन इस तरह का है कि वो साधारण जीवन शैली खुद भी जीते हैं और साधारण लोगों को, विद्यार्थियों को बहुत पसंद करते रहे हैं। जनजीवन उनके चिंतन का केंद्र रहा है, वो चाहे साहित्य हो या साहित्यकारों से जुड़ा हुआ जीवन। वो ऐसे साहित्यकार हैं जो हाशिए के जो लोग हैं उनको हमेशा अपने जो है रचना में महत्व देते रहे हैं। मेरी मनोकामना है कि गुरुजी हमेशा स्वस्थ, सानंद और रहें और शतायु। क्या कहना चाहेंगे? ये लोग बहुत अच्छे हैं। ये नित्यानंद तिवारी तो मेरे अभिन्न मित्र हैं। हाँ। हिंदी के कुछ दुर्लभ आजकल के लोगों में से इतने गहरे आलोचक हैं, वो बड़े गंभीर आलोचक हैं। और बली सिंह मेरे विद्यार्थी थे। जो बिल्कुल, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपने व्योमकेश दरवेश लिखी। हाँ। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को उस किताब में पिरोना जी, जी। क्योंकि उनका व्यक्तित्व तो बहुत विशाल था, कितनी बड़ी चुनौती रही। पंडित जी के जीवन का जो एक कण था, उस सौंदर्य को देखने की आंख भगवान ने उनको दी थी। और दूसरी बात जो द्विवेदी जी में थी, विरोधी की बात को सुनना। और ये कि जो आदमी विलेन समझा जाता है, जो आदमी पंडित जी के पूरे राइटर फंक्शन राइटिंग में विलेन कोई ही नहीं है। वो विलेन क्रिएट ही नहीं कर पाते थे क्योंकि विलेन वो समझते नहीं थे किसी को। जब हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ एक ऐसी हमारी सहपाठिनी थी जिन्होंने शादी की थी एक बहुत बड़े संगीतज्ञ से, संगीत के अध्यापक थे, मैं नाम जानता हूँ लेकिन लूँगा नहीं। वो प्रज्ञा चक्षु थे और लड़की अच्छे घर की थी, बड़े अच्छे खानदान की थी, अच्छी लड़की, ठीक थी, अडंडी लड़की। एक लड़का होता था साउथ का, मधु नाम था, वो जो बाद में बहुत बड़ा एक्टर बना मलयालम फिल्म का। वो किशोर लड़का था, सांवला सा, बड़ा खूबसूरत सा था, आँखें उसकी बहुत अच्छी थी। तो एक दिन एकाएक क्लास में ये घटना हुई कि वो लड़की एकदम से खड़ी हुई क्लास में और उसने टीचर से कहा कि सर ये लड़का मुझे बहुत घूर घूर कर देखता है, ये लगातार मुझे देखता रहता है। अब वो लड़का इतना शर्मीला था, इतना सेंसिटिव था कि रोने लगा। उसने कहा कि मैं तो पढ़ाई लिखाई छोड़ कर चला जाऊंगा। पंडित जी ने उसे बुलाया और द्विवेदी जी ने कहा कि बेटा तुम जानते हो कि उस लड़की ने क्यों तुमको ऐसे झिड़का है क्लास में? सर नहीं, वो तो अजीब लड़की, मुझे बुरा समझती का बुरा नहीं समझती है। बेटा देखो उसके जो शौहर हैं उनकी आंखें नहीं हैं और तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, वो तुम्हें देख करके नॉर्मल नहीं रह पाती है। वो थे हमारे गुरु आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बालू में से तेल निकाल सकते थे। बिल्कुल, बेशक, बहुत बहुत बड़े आदमी थे। और वो हमारी हमारे बुद्धि के विषय नहीं है, वो हमारी जो कुछ मैं हूँ सबके। और मेरे जैसे, अच्छा एक बात और है, मैं अकेला नहीं हूँ इस तरीके से। हाँ। ऐसा मत समझिए कि सबसे नज़दीक उनका मैं शिष्य हूँ। इनामोर सिंह, केदारनाथ सिंह, सुप्रधा, ये लोग मुझसे ज़्यादा उनके नज़दीक थे। विश्वनाथ जी आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय दी है, आइए देखते हैं उनका क्या कहना। विश्वनाथ त्रिपाठी जी से कई तरह के रिश्ते मेरे कायम होते हैं। एक तो ये कि उनका जो पूरा सिनेरियो है, उनके पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड जो है उनका, जिस जगह से वो ताल्लुक़ रखते हैं, मैं भी उसी तरफ का रहने वाला हूँ। बस्ती मुझे मेरे घर से बहुत दूर नहीं है उनका जो वतन है। तो जो अपने गांव की, अपने घर की बातें वो करते हैं, खेतों की बातें करते हैं, बागों की बातें करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी अपनी ज़िंदगी जिस माहौल में गुजरी उसकी बातें वो कर रहे हैं। मैंने उनकी किताब भी जो छपी कई वॉल्यूम्स में, गुरु की खेती बाड़ी, एक पर्सनल कहना चाहिए कि एक जैसे अपना बयान उन्होंने किया, अपने गाँव का जहाँ जिक्र किया है, या अपने उस्ताद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जिक्र, जैसे कि गंगा नहाने चलोगे बनारस में जो उनको तजर्बा था उनका, फिर ये कि उनकी बायोग्राफी जो उन्होंने लिखी, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई और मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ। उससे ज़्यादा कदर मेरे घर में मेरे बच्चे करते हैं, बीवी बच्चे भी। कभी ज़ाहिर है कि फासले दिल्ली में इतने हैं
कि बराबर तो मुलाकातें नहीं हो सकती, हर वक्त हम चाहें अपने दोस्तों से, लेकिन एक बार जब भी होती है तो हमने देखा कि इन बच्चों के चेहरे भी खुल उठते हैं। गुरु जी, आपकी सबसे ज़्यादा याद तब आती है जब हम क्लास से बाहर निकलते थे। क्लास तो आपकी बहुत अच्छी होती ही थी, आप बहुत अच्छे टीचर थे, लेकिन क्लास के बाहर जो आपका साथ मिला वो भुलाई नहीं भूलता। मुझे अक्सर एक चीज़ याद आती है कि चलते चलते आप अचानक रुक जाते थे और रुक कर कहने लगते थे, आप रुक गए और हम भी ठिठक जाते थे। उस ठिठकने के बाद अचानक पूछते थे कि जानते हो विशेष का क्या मतलब होता है? विशेष का मतलब होता है जो शेष में नहीं है। तो विशेष का हम कितनी बार इस्तेमाल, कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक नया अर्थ खुलता था जब आप उसे बताते थे इतनी सरलता और सहजता के साथ। गुरुजी, आपके साथ जो रिश्ता बना उसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि आप असहमति को जगह देते थे, और अगर असहमति को आपने जगह ना दी होती तो शायद हम लोगों का वो रिश्ता ना बनता। सारी असहमतियों के बावजूद आपका प्यार हमेशा बना रहा। शादी के बाद जब मैं मिली तो मैं थोड़ा दबी हुई थी कि सुनती थी कि भैया मैं पढ़ रहे बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं 10वीं में हूँ, मैं कुछ जानती ही नहीं कुछ। वो फिर धीरे धीरे बातचीत में लगा कि ये अपना ज़्यादा चक्की पना हिकड़ी दिखाते हैं। खैर सुन रही, फिर मैंने सोचा शायद ऐसे ही होगा, देखा जाएगा। फिर मैं चलती रही, फिर बस ये था ज़रा ज़रा सी बात में नाराज़ हो जाना, लेकिन नाराज़ भी होते थे और जल्दी ही गुस्सा ठंडा भी हो जाता था। खाना और पढ़ना ये दोनों पसंद है, बाकी दुनिया में क्या हो रहा कोई लेना देना नहीं। पूरे कमरे में फैला रहेगा कापी किताबें पेंसिल, लो पहले मैं संभाला करती थी, अब मैंने देख लिया अब मैंने छोड़ दिया। ये तो चाहते ही हैं भाई लंबी आयु दे, स्वस्थ रहें, ऐसे ही चलता रहे, हमें इसी में बहुत कुछ ही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो शिकायतें भी हो गई और तारीफें भी हो गई और मोहब्बतें भी हो गई। जहाँ से शिकायत होनी चाहिए थी वो शिकायत ना होती तो कितना गजब होता। सुना आप खाने की भी तो बहुत शौकीन हैं, और तो मिठाई बहुत जरूरी है, ऐसा मिठाई सब चीज़ें सभी सभी नमकीन बहुत पसंद है। तो मुझे खुद कभी कभी ताज्जुब होता है कि जो जीवन की अच्छी चीज़ें हैं उनके प्रति मेरी लालसा बिल्कुल कम नहीं हुई है। ये बड़ा मुझे अजीब लगता है, ख़ास तौर पर खाने के मामले में। खाना मुझे खाना मुझे मेरे खाने पर कविताएं लिखी गई हैं बिल्कुल, और अच्छे लोगों ने कविताएं लिखी मेरे खाने पर। हाँ। एक अध्यापक के तौर पर आपने, जैसे आपकी तारीफ भी हुई, आपके साथ जो लोग जुड़े रहे उन्होंने भी कहा, दरअसल अध्यापक को होना कैसा चाहिए? हमारे यहाँ गुरु वो होता है जो आदमी को थोड़ा सा परेशान कर दे। तो परेशान क्या कर दे? गुरु जो है विक्षुब्ध करता है, परेशान इसलिए करता है कि जितना तुम समझते हो ना वो बहुत नाकाफ़ी है, बहुत पढ़ा है जो इसके ज़्यादा, यानी तुमको संतोष ख़त्म करता है कि इतने नहीं हमने, हम कम जानते और हैं। जानना है और जानना है और जानना है, और ये हमारे यहाँ धार्मिक साधनाओं में और शिक्षालयों में सब जगह गुरु का काम ही होता है जो एक एक जगह से निकाल कर के तुमको बेहतर जगह जाने का रास्ता बता देता है कि ये रास्ता नहीं नाकाफ़ी है वहाँ चलो। ये लिटरेचर में भी, अदब में भी, धार्मिक साधनाओं में भी गुरु जो है वो स्टूडेंट की इंडिविजुअलिटी को नहीं ख़त्म करता है, उसको बरकरार रखता है। बरकरार रखता है उस, चाहे मारने पीटने को चाहे बात की हो, उस इंडिविजुअलिटी को वो एक बहुत कभी ख़त्म ना होने वाले ला तमाम रास्ते पर लगा देता है। चलते चलते मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपने अपने गुरु की संदर्भ में लिखा है कि पंडित जी परंपरा से जुड़े विद्वान थे, उनका मानना था कि हिंदी कोई अकेली भाषा नहीं है, वो अखिल भारतीय भाषाओं से जुड़ी हुई है, उसका टाँका काशी, दूसरा भुवनेश्वर और तीसरा केरल में। बहुत बड़ी बात है ये। बात इसमें यह है, पंडित जी कहना चाहते हैं कि हिंदी की दुनिया जैसा कि दुर्भाग्य से
कभी कभी हिंदी वाले करते हैं उसको एक वो सीमित क्षेत्र में बना करके रखना चाहते हैं। अब ये बात सिर्फ हिंदी के बारे में ही नहीं है, मैं भी नहीं है, जितनी भारतीय भाषाएं हैं वो सब एक दूसरे से बिल्कुल है। इतना गुथी हैं आपस में कि अगर आप एक को देखेंगे तो आपको कुछ कुछ सब का जानना पड़ेगा। तो हिंदी की पूरी स्टडी आप बग़ैर बंगाली के, बग़ैर उर्दू के, बग़ैर संस्कृत के नहीं जान सकते। कई ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका ठीक मतलब हिंदी वाले नहीं जानते, उस हिंदी लफ्ज़ का ही दूसरे लोग उसका मतलब ठीक समझते हैं। ऐसे उर्दू के कई ऐसे लफ्ज़ हैं कि अब तुलसीदास के यहाँ ऐसे अल्फाज भरे पड़े हैं जो फ़ारसी के हैं, जिनको अगर आप फारसी नहीं जानते तो आप उनको सभी का मतलब नहीं जानते। मैं नहीं जानता था, वो अपने राम को गरीब नवाज कहते हैं, तो अब गरीब नवाज अगर आप नहीं जानते तो आप नहीं जान पाएंगे तुलसीदास क्या कहते हैं। मीर के यहाँ विस्तार लफ्ज़ आता है, अब विस्तार लफ्ज़ अगर आप विस्तार का ठीक मतलब नहीं जानते तो मीर की शायरी नहीं समझ पाएंगे। पूरी तरीके से समझने के लिए आपको हिंदी पढ़ने के लिए सिर्फ हिंदी तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए, सारी भाषाओं का, सारी भाषा और जितनी भाषाएं आप समेट सकें समेट। तो चलते चलते आपकी पसंद का एक गीत मैं जान लूं। फिल्मों में एक गाना है ना वो चोरी चोरी का, रसिक बलमा। अच्छा अच्छा, नरगिस का है। नरगिस ने गाया है जी, नरगिस ने गाया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आप उन पर फिल्म आएगा, बिल्कुल बहुत पसंद। विश्वनाथ त्रिपाठी जी, आप आज शख्सियत में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा समीना साहिबा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आपके प्रोग्राम बहुत देखता हूँ, और राज्यसभा चैनल, ये नहीं कि मैं राज्यसभा में बैठ के कह रहा हूँ, मैं बाहर भी कहता हूँ, मैं सिर्फ यही चैनल देखता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत देखने के लिए मैं ही सब देखता हूँ, और कभी कभी तो सर भी, लेकिन ये अलग है चैनल, और भगवान से प्रार्थना है कि चैनल इसी तरीके से विशेष बना रहे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही, ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।